देखो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें और एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ टाइप्स जैसे कि अगर टेम्परेचर पर डिपेंड है फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं इधर मैं सिर्फ समझाता हूँ आपको कि मान लीजिए टेम्परेचर पर डिपेंड है सेकेंड कॉन्टेक्ट पर थर्ड मैचूरेशन एंड वन मोर लास्ट सीओ टू कंसेंट्रेशन सीओ टू कंसेंट्रेशन इन वॉटर इन चारों फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसी रहेगी देखो सेक्स <coughs> डिटर्मिनेशन में फर्टिलाइजेशन हो चुका है हम जो एनवायरमेंटल कर रहे हैं इसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है और जाइगोट बन चुका है मीन्स वी हैव फर्टिलाइज एग और इसके बाद अब वो किस तरीके से बिहेव करेगा एनवायरमेंट में जिससे डिटरमाइन होगा कि वो मेल बनेगा या फीमेल जैसे कि टेम्परेचर का देखते हैं टेम्परेचर के हमारे पास फर्दर दो एग्ज़ाम्पल हैं एक लिजार्ड एंडर एक टर्टल सेकेंड एग्जाम्पल इज टर्टल लिजार्ड में हम स्पीसीज़ का नाम लेते हैं एगामा एगामा ठीक ये एक स्पीसीज़ है लिजार्ड की इसमें हाई टेम्परेचर रहेगा इनक्यूबेशन इफ़ हाई इनक्यूबेशन टेम्परेचर होगा तो ये मेल बनेगा इट विल डेवलप इन मेल क्लियर सिमिलरली इन केस ऑफ टर्टल टर्टल की स्पीसीज का एग्जाम्पल का नाम लेते हैं हम क्राइसेमा पिक्टा इसमें अगर थर्टी थ्री डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर है ट विल डेवलप इंटू फीमेल अगर ट्वेंटी एट डिग्री सेल्सियस से कम है टेम्परेचर देन इट विल डेवलप इंटू मेल एंड इफ ट्वेंटी एट डिग्री सेल्सियस से थर्टी थ्री डिग्री सेल्सियस के बीच में है देन इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल यानि तैतीस डिग्री से ज़्यादा है तो प्रिडोमिनेटली फीमेल बनेंगी ट्वेंटी एट डिग्री सेल्सियस से कम है तो मोस्टली मेल्स बनेंगे बट अगर 28 और 33 के बीच में है टेम्परेचर तो इक्वल नंबर बनेंगे मेल फीमेल के मान लो वहां पे 10 बनने हैं इंडिविजुअल तो पांच मेल होंगे पांच फीमेल अगर टेम्परेचर 28 से 30 के बीच में रह गया तो नाउ लेट्स फिनिश हेयर अबाउट मैच्यशन मेच्यूरेशन का एग्जाम्पल है स्नेल्स मैं कॉन्टेक्ट वाला बाद में करूंगा क्योंकि इसमें बोनेलिया विरिडिस का एग्जाम्पल है मैचूरेशन में हम स्नेल्स का ले लेते हैं स्नेल्स का क्या होता है कि इफ यंग स्टेज में कैसे है Maturation पर यंग स्टेज में अगर मान लो मेल है तो अडल्ट होकर के अडल्ट स्टेज में ये फीमेल बन सकता है मैचूरेशन पर ऐसे डिपेंड है इनका सेक्स एंड द लास्ट एग्जांपल हेयर इज़ सीओ टू कंसेंट्रेशन इन वाटर इसका एग्जाम्पल है इकाई यूओ रेड्स दीज आर मेरेन इनवर्टिब्रेट्स इससे संबंधित इतना ही है कि भाई सीओ टू कंसेंट्रेशन से डिटरमाइन होता है इनमें सेक्स डेट्स इट अब वो कैसे है? वो उसको ज्यादा डिटेल में नहीं करना हमको अब कॉन्टैक्ट के बेसिस वाला देख लेते हैं कि कॉन्टैक्ट का मैं कैसे कंसिडर कर रहा हूं देखो कॉन्टेक्ट का किसमें मिलता है दिस एक एनीलिडा है बोनेलिया विरिडिस बोनेलिया विरिडिस अब इट इज अ वॉम ठीक है कैसा वॉम एनिलिडा है ये एनिलिडा फाइलम का है तो ऑब्वियस सी बात है इट इज़ अ ट्रू वॉम दिस वॉम इज अ ट्रू वॉम ओके सेगमेंटेड है अब एनिलीडा के सारे फीचर्स सा आ जाएंगे इसमें अब इसमें क्या होता है कि जो मेल है दैट इज ओनली टू फोर मिलीमीटर इन साइज एंड द फीमेल इज हंड्रेड मिलीमीटर साइज और नियरली टन सेंटीमीटर हो गया हां नियरली हंड्रेड मिलीमीटर mm या नियरली टेन सेंटीमीटर ठीक है एक और बात इसमें कि फीमेल ध्यान देने की एक और बात फीमेल होस्ट मेल इन यूट्रस ऐसे लिख लो या मेल सिंबायोटिकली इन यूट्रस ऑफ फीमेल ऐसे लिख लो एक ही बात है अब होता क्या है कि डिटर्मिनेशन कैसे होगी कि यहां पर क्या है हमारा फर्टिलाइज एग फर्टिलाइज एग इफ

या फीमेल के प्रोबोसिस के कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या होगा इट विल टर्न इन टू अ मेल ड्यू टू सलाइवरी सलाइवरी सिक्रिशंस ऑफ फीमेल की वजह से ये मेल में कन्वर्ट होगा सो so ये है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन हम कई सारे सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे एनवायरमेंटल है एलोसोमिक है एंड नॉन एलोसोमिक है ड्रोसोफिला में भी है जेनिक बैलेंस थ्योरी है ह्यूमंस की सेक्स डिटर्मिनेशन हनी भी की सेक्स डिटर्मिनेशन वन बाय वन इनको कर लेंगे दिस ऑल इज सेक्स डिटर्मिनेशन एक और भी है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन सिनगेमिक बोलेंगे उसको प्रोगेमिक बिफोर फर्टिलाइजेशन एपीगैमिक आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो क्रोमोजोम में ही आ जाएगी क्योंकि क्रोमोजोम उसमें डिटरमाइन क्रोमोजोम पे वो बेस्ड होते हैं ठीक है वो तब देखेंगे बाद में अभी इतना ही करते हैं इसको एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन